सो हेलो भाई सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, काफी सर भाई लोग का कमेंट आ रहा था इस टाइप का कि हम अपने सेटअप में काफी ज्यादा हैवी वाटेज का स्पीकर डालकर एक डुअल बेस हैवी वाटेज का बनाना चाहते हैं ताकि हमारे सेटअप से काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के पंच वाइब्रेशन निकल कर आए। बट हमारे मन में काफी ज्यादा कन्फ्यूजन इस टाइप का बना रहता है कि हम कौन सा कंपनी का स्पीकर यूज करें और कौन सा कंपनी का हम यहाँ पर डुअल बेस यूज करें ताकि हमारे सेटअप में काफी ज्यादा अच्छा वाइब्रेशन मिले। किस तरह का कैबिनेट यूज करेंगे तो अच्छा क्वालिटी हमारे सेटअप में निकल कर आएगा। तो भाई सर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल ही हैवी वाटेज का बेस के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही सर, कौन सा कंपनी का आप लोग स्पीकर यूज कीजिएगा अपने सेटअप में तो काफी ज्यादा सुपर आप लोगों को अच्छा क्वालिटी का पंच वाइब्रेशन काफी दूर तक सुनने को मिलेगा। साथ ही सर, कौन सा मॉडल का आप लोग कैबिनेट लेंगे तो भी काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। किस टाइप का मिल फायर चाहिए का बेस स्पीकर चलाने के लिए, पूरा जानकारी आप लोगों को इस वाले वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या कि सर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गई सर, डीजे के लिए हैवी बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट के ऊपर, क्योंकि सर कैबिनेट ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप लोग मांगा से मांगा स्पीकर भी और हैवी से भी वाटेज का भी स्पीकर डालते हैं और आप लोगों का बेस का कैबिनेट का क्वालिटी बेकार रहेगा तो बिल्कुल ही आप लोगों का बेस वैसा नहीं बोलेगा जैसे बोलना चाहिए। तो कि सर, यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पॉप मॉडल का 18 इंची का डुअल बेस कैबिनेट, जो कि सर अभी मार्केट में इस टाइप के डुअल बेस का कैबिनेट काफी ज्यादा डिमांड हो रहा है। सभी भाई लोग पॉप मॉडल का डुअल बेस का कैबिनेट यूज करें क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रेशर अच्छा मिलता है। अगर आप लोग इसके अंदर 3000 और 2000 वाटेज तक का भी स्पीकर डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या 6000 वाटेज तक का भी डुअल बेस बनाते हैं 3000 वाटेज का स्पीकर डालकर, ये वाला डुअल बेस काफी ज्यादा परफेक्ट काम करता है। अगर हम इस टाइप के एक पेयर का कैबिनेट लेते हैं तो सर इजिली 75000 से 80000 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इस टाइप के दो आप लोगों को डुअल बेस मिल जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से स्पीकर इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप लोग इससे थोड़ा हैवी क्वालिटी में डुअल बेस का कैबिनेट लेना चाहते हैं तो फिर भी सर आप लोग 90000 1 लाख तक जा सकते हैं, जो कि इजिली मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट गई सर, इतने प्राइस रेंज में भी काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का आप लोगों को बेस के लिए पॉप मॉडल में कैबिनेट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के बेस हम बना रहे थे, हैवी वाटेज का स्पीकर डालना होगा और काफी ज्यादा अच्छे ब्रांड का, ताकि सर हमारे सेटअप में काफी ज्यादा अच्छे क्वालिटी के पंच वाइब्रेशन और बेस काफी दूर तक हमें सुनने को मिल सके। तो सर, इस वाले कैबिनेट में बेस स्पीकर डालने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आइडियाटोन का न्यू मॉडल का 18 इंची का बेस स्पीकर यूज कीजिए, जो कि एटॉमिक सीरीज से देखने को मिल जाएगा, जो कि आइडियाटोन ने अभी फिलहाल ही इस वाले स्पीकर को लॉन्च किया है, जो कि इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दिया, जो कि 6 स्पीकर आइडियाटोन का 18 इंची का मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो कि 2000 वाटेज से लेकर 3000 वाटेज तक का बीच का अलग अलग वैरायटी का देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इस वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि आप लोगों को थंबनेल शो हो जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से स्पीकर चूज कर सकते हैं कि हमारे सेटअप में कितने वाटेज का स्पीकर चाहिए। तो सर, अगर हम बात करें इस वाले स्पीकर के मॉडल नंबर के बारे में, इसका जो मॉडल नंबर है AD18X3155YX देखने को मिल जाएगा, जो कि सर ये आइडियाटोन की तरफ से न्यू मॉडल का 2024 का ये सबसे हैवी वाटेज का स्पीकर देखने को मिल जाएगा 18 इंची में। अगर हम इसके पावर के बारे में बात करेंगे तो इसका जो पावर है 3100 वाटेज देखने को मिल जाएगा आर्मिस पावर, और गई सर 6200 वाटेज इसका पीक वाट होता है। तो गई सर, आप लोग समझ सकते हैं कि 3100 वाटेज का एक स्पीकर है और गई सर इसका पीक वैल्यू 6200 वाटेज है, जो कि 6000। तो ये जो स्पीकर है बिल्कुल ही नहीं जलेगा, आप लोग इसे रफ एंड टफ किसी भी एम्पलीफायर पे यूज कीजिएगा तो बिल्कुल ही नहीं जलेगा, क्योंकि इसका पावर ही इतना काफी ज्यादा है, जो कि ये स्पीकर काफी ज्यादा तगड़ा बजेगा। बात करेंगे इस वाले स्पीकर के डायमीटर के बारे में, तो सर ये जो स्पीकर है 18 इंची में देखने को मिल जाएगा, जो कि 465 mm में ये स्पीकर आता है। अगर हम इसके वॉइस कॉइल के बारे में बात करेंगे तो इसका जो वॉइस कॉइल है 152 mm, जो कि आप लोगों को 6 इंची के कॉइल में देखने को मिल जाएगा, जो कि इनसाइड और आउटसाइड वाइंडिंग में होते हैं। तो भाई सर, जो भी स्पीकर 6 इंची के कॉइल में होता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि 6 इंची का कॉइल स्पीकर काफी ज्यादा बड़ा होता है, और भाई सर इसमें पंच और वाइब्रेशन काफी ज्यादा आप लोगों को हार्डनेस वाला मिलेगा और दूर तक आप लोगों को इसका क्वालिटी सुनने को मिलेगा। बात करेंगे इसके सेंसिटिविटी के बारे में, तो भाई सर इस वाले स्पीकर का जो सेंसिटिविटी 98.5 decibel देखने को मिलेगा, जो कि प्रेशर काफी अच्छा मिलेगा, और गई सर ये जो स्पीकर है 8 ओम इंपेडेंस पे वर्क करेगा। तो गई सर, एक डुअल बेस के अंदर अगर हम इस टाइप के दो स्पीकर डालेंगे तो इजीली इसका वाटेज हो जाएगा 6200 वाटेज हो जाएगा, और गई सर इसका जो इंपेडेंस बनेगा 4 ओम बनेगा, क्योंकि दोनों बेस
बेस को हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो इजीली 8 ओम्स हो जाएगा, 4 ओम। दोनों बेस का वाटेज मिलाकर चलेंगे तो 31 दूना 6200 वाटेज हो जाएगा। तो सर हमारा जो पॉप मॉडल का जो डुअल बेस है इजीली 6200 वाटेज का बनकर रेडी हो जाएगा। और सर इसका जो इम्पीडेंस रहेगा 4 ओम रहेगा, और सर इसका जो पीक वैल्यू रहेगा 6200 दूना, आप लोग जोड़ सकते हैं कि कितना ज्यादा इसका पीक वैल्यू हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस टाइप के दो डुअल बेस अपने सेटअप में लगाते हैं तो इसको चलाने के लिए और रन करने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल एम्पलीफायर चाहिए, क्योंकि अगर हम हैवी वाटेज का बेस बना रहे हैं तो उसे चलाने के लिए हैवी वाटेज का एम्पलीफायर ही चाहिए। नहीं तो अगर आप लोग कम वाटेज का एम्पलीफायर लगाते हैं तो क्वालिटी डाउन होगा। काफी सारे लोग यही गलती करते हैं कि बेस तो हैवी वाटेज का ले लेते हैं लेकिन एम्पलीफायर सही से ओम मैचिंग के हिसाब से और सही से वाटेज के हिसाब से नहीं लगाते हैं, जिनके वजह से उनके सेटअप में बेस का जो क्वालिटी होता है वैसा नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए। तो कोई सर यहाँ पर इस टाइप के अगर आप लोग दो डुअल बेस चलाते हैं या एक डुअल बेस अपने सेटअप में चलाते हैं तो कोई सर इस टाइप के बेस को चलाने के लिए मैं आप लोगों को एम्पलीफायर रिकमेंड करूंगा ऑडियोटोन का AD9000 AD मॉडल में, जो कि डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर है, काफी ज्यादा पॉपुलर मॉडल का। बात करेंगे इसके पावर के बारे में, तेज एम्पलीफायर है, 8 ओम पे 2100 वाट पर चैनल पे दे देता है और 4 ओम पे 3850 वाट पर चैनल पे दे देता है और 2 ओम पे 5200 वाट पर चैनल पे दे देता है। लेकिन गई सर ये जो एम्पलीफायर है इसका जो पावर है 8 ओम और 4 ओम और 2 ओम पे ये बेस नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पावर के मुताबिक यहाँ पर बेस का मैचिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 ओम पे 3850 वाट दे रहा है और गई सर यहाँ पर जो मेरा बेस बन रहा है 6200 वाटेज का बन रहा है, तो पावर बिल्कुल ही कम हो रहा है। तो कहीं सर इस वाले एम्पलीफायर का अगर हम ब्रिज मोड पावर के बारे में बात करेंगे तो इसका ब्रिज मोड का जो पावर है 8 ओम पे 4800 वाटेज देखने को मिल जाएगा और 4 ओम पे 7100 वाटेज देखने को मिल जाएगा। इसके ब्रिज मोड का जो पावर है 4 ओम पे 7100 वाटेज है, जो कि इस टाइप के बेस को चलाने के लिए काफी ज्यादा पावर हैवी है। तो कहीं सर अगर आप लोग कोई भी एम्पलीफायर लेते हैं तो वो बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि मेरा जो बेस है अगर 4 ओम का है 6200 वाटेज का बन रहा है तो उसका जो एम्पलीफायर है कितना पावर देता है कितने ओम पे, अगर वो मान के चले स्टूडियो और मोनो पे 4 ओम और 8 ओम पे पावर नहीं दे पाते तो आप लोग इसे ब्रिज मोड करके चला सकते हैं। तो भाई सर इस वाले एम्पलीफायर का जो 8 ओम और 4 ओम और 2 ओम का जो पावर है स्टूडियो और मोनो का ये बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, इसे हम लोग चलाएंगे ब्रिज मोड पे, जो कि एम्पलीफायर ब्रिज मोड पे 7100 वाटेज निकाल कर दे देता है। और साथ ही सर इस वाले एम्पलीफायर का जो डंपिंग फैक्टर है वो आप लोगों को 3000 देखने को मिलेगा। तो भाई सर वैसा ही एम्पलीफायर इस टाइप के बेस के लिए रिकमेंड मैं करूंगा कि जो कि जिसका डंपिंग फैक्टर 1000 से ऊपर हो या 1000 तक तो होना ही चाहिए, तभी सर इस टाइप के बेस चलेंगे, वरना कहीं सर आप लोगों का क्वालिटी बिल्कुल ही डाउन मिलेगा। एम्पलीफायर इस टाइप के बेस चलाने के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है, इसका कनेक्शन काफी ज्यादा सिंपल सा है। एम्पलीफायर को आप लोगों को कर लेना है ब्रिज मोड पे, ब्रिज मोड पे जैसे ही कीजिएगा तो चैनल ए केवल वर्क करेगा और एम्पलीफायर का जितना पावर है पूरा ही आप लोगों को चैनल ए पे ही देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को उदाहरण में समझाऊं कि अगर व्यक्ति एक हाथ से जोड़ लगाता है, अगर दोनों हाथ से एक जगह प्रेस करे तो पावर ज्यादा मिलता है, उसी तरह से एम्पलीफायर जो होता है उसके अंदर दो वॉल्यूम होते हैं यानी दो चैनल होते हैं, तो एक एक चैनल पे पावर बढ़ जाता है। और पूरा ही एम्पलीफायर कर हम ब्रिज मोड पे करेंगे तो पूरा उसका जितना पावर है केवल एक चैनल पे आ जाएगा, तो इसलिए 4 ओम पे 7100 वाटेज दे रहा था। काफी ज्यादा सिंपल सा कनेक्शन है, इसके एक चैनल पे आप लोगों को इस टाइप की एक डुअल बेस लगा दीजिए, 6200 वाटेज के 4 ओम पे लोड पे चलेगा और 7100 वाटेज दे रहा है यानी 800-700 वाटेज ज्यादा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप के बेस के लिए काफी ज्यादा हार्डनेस वाला पंच वाइब्रेशन आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा, आप लोग अपने हिसाब से भी ले पाएंगे, लेकिन देखना होगा कि ब्रिज मोड पे वो 4 ओम पे कितना पावर इसके मुताबिक दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो सर आई होप कि आप लोगों का मन का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, साथ ही सर जो मैं बेस बनाया हूँ डुअल बेस काफी ज्यादा हैवी वाटेज का, अगर आप लोग इस टाइप के एक डुअल बेस अपने सेटअप में यूज करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का पंच वाइब्रेशन मिल जाएगा। साथ ही सर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आप लोग पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए टेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।